कानपुर जनपद के साठ थाना अंतर्गत सेमरा गांव में दो दिन पूर्व मोबाइल टावर में बैटरी चोरी करने वाले एक युवक को ग्रामीणों ने सक्रियता के चलते दबोच कर पुलिस के हवाले किया था। पुलिस ने अभियुक्त से पूछताछ कर आला अधिकारियों को मामले की जानकारी दी थी। वहीं एसपी आउटर ने सर्विलांस टीम गठित कर चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार करने वाले तीन अभियुक्तों के पास से एक कार, तीन अवैध असलहा, 16 मोबाइल टावर, दो जिंदा कारतूस गिरोह बंद कर बरामद की है। वहीं क्षेत्र अधिकारी सुशील कुमार दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को मामले की जानकारी देते हुए आरोपियों को जेल भेजने का काम किया है। ये पिछले कुछ समय से थाना जिला कानपुर आउटर और तथा कानपुर में कुछ टावर की बैटरियों से बैटरी चोरी हो रही थी, जिसमें मुख्य रूप से थाना बिदनू, सांड, महाराजपुर और क्या नाम है सजैती और बिठूर आदि क्षेत्र से बैटरी चोरी की सूचना आ रही थी। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक आउटर महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें क्या नाम है इनको पकड़ने के लिए सर्विलांस की टीम और तथा थाना अध्यक्ष सांड की टीम द्वारा कल इन्हें सूचना प्राप्त हुई कि टावर खोलने वाला गैंग आ रहा है। सूचना पर इनके द्वारा ग्राम आमौर के पास से तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया मैं स्विफ्ट डिजायर के, जिनके तलाशी ली गई तो इन पर दो तमंचे 315 बोर के तथा एक पौनी 12 बोर की और कारतूस बरामद हुए। इनकी जब और अन्य तलाशी ली गई तो इनकी गाड़ी में टावर से संबंधित 16 बैटरी बरामद हुई हैं। जो बैटरी दिनांक 22/12 में जो थाना सांड थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिमरा से इनके द्वारा चोरी की गई थी। इनके ये इनका मुख्य गैंग लीडर है शक्ति सिंह, जो क्या नाम है ये तीनों मूल रूप से रहने वाले हैं। एक तो शक्ति सिंह, एक संदीप, एक शेख श्याम सुंदर, ये मूल रूप से रहने वाले हैं औरिया के। और ये जो गाड़ी बरामद हुई है एक टैक्सी में गाड़ी चलाता है तथा पूरे गैंग को इसी में लेके चलता है तथा इसी गाड़ी से इसके द्वारा कई वारदातें की गई हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।